कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही चले, मैं आखिरी यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वही ठहरिए, मैं अपनी भोजन लाती हूँ। आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहां आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है लेके लिया। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती, द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात को बुरा न माने। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो, पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूसरे खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर समस्या और व्यवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम विकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक सूर्य का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह सूर्य मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं वही स्वर्ण में अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वही आती हूँ, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मुझे आपकी शक्ति को नहीं बचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। रुको, रुको राहुल, रुको, सीते, सीते मेरे राहुल, सीते। रुको जरा, इस पापे राहुल से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप नहीं देख सकते तो वन में जाकर आर्य पुत्र नहीं ले जा सकते।
नाच की जाए वो। महाराज, हमारा ये गुप्तचर समाचार लाया है। पंपापुर सरोवर के आगे दो अनजान व्यक्ति जंगल में घूमते हुए दिखाई दिए। वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो नी? वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ जामन जी, वो बार बार ऋषिमुख शिखर की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है वो इसी चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। गुप्तचर का कहना है कि अपनी भाषा में बातचीत करते हुए वो बीच बीच में महाराज सुग्रीव का भी नाम लेते हैं। हमारा नाम ले रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या सुना तुमने? जी मैंने इतना ही सुना, उनमें से जो छोटा था वो बड़े से कह रहा था कि महाराज सुग्रीव अवश्य इसी चोटी पर रहते होंगे। हमें वहां पहुंचने का मार्ग शीघ्र ही ढूंढना चाहिए। हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है, उनको उनका रहस्य जानने के लिए भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तुमने बहुत उत्तम बात की है जामन। हनुमान कहाँ है? उन्हीं को भेजो। पहले उन्हें ढूंढ तो लीजिए, कहीं एकांत में बैठे हरिओम का जप कर रहे होंगे। चलो हनुमान को ढूंढते हैं, आओ। हनुमान जी, हनुमान, आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करें हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कारवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज प्रणाम। महाराज सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया, विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के देखिए स्वामी, जिनका एक दूध अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है, उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। तो श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। अंततः एक भीषण युद्ध के बाद महापराक्रमी रावण, तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं, मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यजमान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है, तुमने खरदूषण और विराट को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा, आज मुझे उन सबका प्रतिशोध देना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड
आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।